नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान तिवारी और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल सुख गुरुकुल पर। मित्रों, हमने अपने लास्ट के वीडियो में एक स्नोमैन बनाया था जो कि बहुत ही आसान था, और हमने एक ये बर्नी बनाया था जिसका हमने बैकग्राउंड भी सेट किया था और काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड बनाया था, और हमने हेलमेट बना रखा है, सिमले बना रखा है, स्माइले, और ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स बना रखे हैं टर्टल का यूज़ करके, और बहुत अच्छी स्टाम्पिंग किया था हमने, सर्कल बनाया था, घड़ी बनाया था, ये घर बना रखे हैं और बहुत सारे शानदार ग्राफिक्स बना रखे हैं जैसे कि ये सारे। तो अगर आपने अब तक इन सब चीज़ों को बनाना नहीं सीखे हैं तो ज़रूर जा सकर सीख लीजिए। और हमने फंक्शन का यूज़ करना सीखा था और लिस्ट का यूज़ करना सीखा था, जैसे कि कलर चेंज करना होता है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखा रखा हूँ। तो अगर आप लोग वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं बनाना जानते या फिर नहीं सीखे हो तो वो सारी चीज़ें आप जाकर सीख लीजिए, जैसे कि मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको और अच्छे से बता सकूँ। फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाएगा करें, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये सारी वीडियोस। और आज मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ जो कि सीख कर आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जैसे कि अगर हम लोग गेम खेलते हैं ना, यानी कि छोटे मोबाइल में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड का यूज़ करते हैं यानी कि मूवमेंट के लिए। तो अब तक हमने जितना भी प्रोग्राम्स देखे हैं टर्टल के लिए, हमने उसमें सारा क्या किया है, कंट्रोलिंग सब कुछ हम लोग पहले से डिफाइन कर देते थे कि प्रोग्राम भाई ये गोटू यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा, यानी कि हम लोग गोटू का यूज़ करते थे, लेफ्ट मोड़ने का चूज़ करते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड का यूज़ करें इन सब चीज़ों को करने के लिए। कीबोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक नई फाइल बना लेता हूँ पाई का। आप मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टर्टल को इंपोर्ट करना है, और उसके बाद में हमको क्या करना है, एक स्क्रीन बना लेनी है। स्क्रीन के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, टर्टल क्या कर सकते हैं, टर्टल डॉट स्क्रीन, ठीक। और फिर टर्टल डॉट सेटअप, और मैं स्क्रीन की साइज कर देता हूँ 500x500, ठीक। और उसके बाद हम लोग पेन बना लेते हैं, पेन नहीं, टर्टल का यूज़ भी हम लोग आराम से कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पेन बना लूँ। पेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल, ठीक। और हम लोग फाइनल क्या कर देते हैं, टर्टल डॉट मेन लूप, और इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। क्या सेव कर देते हैं, ले लेते हैं कंट्रोल टर्टल वाई, कंट्रोल टर्टल वाई कीबोर्ड, उसके बाद रन करते हैं तो नहीं कुछ ऐसा विंडो आप ओपन हो गया है। अब जो टर्टल है ना, हम लोग हमेशा क्या करते थे कि इसको मूव करने के लिए हम लोग पहले से कमांड लिख देते थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, हम लोग कुछ ऐसा कोड करेंगे कि ये जो चीज़ है टर्टल, जो हमारा टर्टल है, उसको हम एरो की या फिर कोई वी की यूज़ करेंगे और ये मूव होती रहेगी। और हम लेफ्ट को घुमाने के लिए लेफ्ट एरो को यूज़ करेंगे, राइट घुमाने के लिए राइट एरो को यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं पेन की स्पीड 0 कर देता हूँ, फास्टेस्ट कर देता हूँ, चाहे भी के लिए ऐसे ही रहने जैसे आए वैसे। अब हमको अगर जो हमारा विंडोज़ होती है वो क्या करेगी, जो कीबोर्ड से इनपुट नॉर्मली डालेंगे, कुछ भी की प्रेस करते हैं तो वो जो विंडो ओपन होती है ना, वो हमारे की को लिसन नहीं करती। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टर्टल डॉट स्क्रीन को लिसन करवाना होगा, टर्टल डॉट लिसन। अब क्या होगा,
जो अपना टाइटल है वो लिसन करेगा, क्या लिसन करेगा, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, यानी कि जो कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे वो चीज़ें जो विंडो है वो सुनेगी कि क्या कीबोर्ड से कुछ इनपुट हो रहा है, और हरदम ये सुनती रहेगी। जैसे ही कुछ इनपुट होगा वो ऑटोमेटिकली लिसन करके एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, टर्टल डॉट ऑन क्लिक, देखो क्या है, ऑन क्लिक है, ऑन की प्रेस है, ऑन ड्रैग है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीन टच अगर गेम बनाना है आपको तो स्क्रीन टच भी बना सकते हैं, स्क्रीन क्लिक बनाना है तो स्क्रीन क्लिक करा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं ऑन की प्रेस कर देता हूँ। हम क्या कर देता हूँ, ऑन की, ऑन की में देखो एक फंक्शन पास करना है और एक की, की को हम स्ट्रिंग में रखेंगे। ठीक, अब इसे फंक्शन हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, फंक्शन जो इसमें लिखना होगा वो हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन तो हम बना लेते हैं भाई, तो डेफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड कितना होगा, लेट्स से हम लोग करते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेट्स से 10 कर देते हैं एक बार में, कि एक बार में 10 पिक्सल ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि हम फॉरवर्ड की यानी कि अप या डाउन कुछ भी प्रेस करें, जैसे जब क्लिक कोई की प्रेस करें तो अभी जो हमारा विंडो है वो हमेशा सुनती रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या पास कर देते हैं, फॉरवर्ड, एक फंक्शन फॉरवर्ड पास कर दे और इसमें हम लोग की प्रेस कर देते हैं अप, और अपना रन करके देखते हैं क्या होता है। ये रन हुआ लेकिन क्या हुआ, हमारा दिख नहीं रहा है कि टाइटल कहाँ पर है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब तक नहीं दिख रहा था, अब जैसे मैंने कि एरो की जगह प्रेस कर रहा हूँ अप वाले एरो की, तो ये आगे बढ़ रहा है। जैसे तो मैं प्रेस करता रहूँगा वैसे से बढ़ता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई ये आगे बढ़े और पीछे भी जाए, पीछे जाने के लिए हमको फिर से एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाए। अब इस ट्रेडल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो उसके लिए क्या कर देंगे, टर्टल डॉट पेन साइज, पेन साइज रेट से हम कर देते हैं 5, और सेप साइज इसका बढ़ा देते हैं, टर्टल डॉट सेप साइज, और सेप साइज 3.3.3 कर देते हैं। और फिर से रन करके दिखाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको दिखाना होगा। अब ठीक हो, आपको ये सेप दिख रहा है। अब मैं जब अपवर्ड की यूज़ करूँगा यानी कि जो एरो की होती है, तो जो अप वाली एरो की है उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। देखो जैसे जैसे मैं प्रेस करता हूँ वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन हम पीछे या और के कोई प्रेस करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये पीछे भी बढ़े, ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन और बना देंगे भाई। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस फंक्शन का नाम क्या करते हैं, बैकवर्ड। अब टर्टल डॉट बैकवर्ड भी हम लोग 10 जाते हैं से। हम लोग लेफ्ट राइट भी बना लेते हैं इसे लगे हाथ, टर्टल डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट कितना कर देते हैं, लेफ्ट भी 10 डिग्री कर देते हैं हम लोग, 10 डिग्री घूम जाया करें। तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। राइट भी राइट बना देते हैं, डेफ राइट। देखो फंक्शन जब हम लोग बना लेते हैं तो फंक्शन को कॉल करना होता है, जैसे कि हम लोग जाते हैं यहाँ पर किए कि टर्टल डॉट अगर अप वाली की को प्रेस हो तो फॉरवर्ड जाए। अब मैं इसको एक फंक्शन और कॉल कर देता हूँ इसी सेम तरीके का, टर्टल डॉट ऑन की, और ये लेफ्ट मुड़ जाएगा। जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ तो ये क्या हो, लेफ्ट मुड़ जाए, कितना मुड़ेगा, जितना डिग्री हम लोग करें। तो फिर मैं दो फंक्शन कॉल किया हूँ, राइट और बैकवर्ड के लिए भी कॉल नहीं किया हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे कि मैं अगर लेफ्ट की एरो की घुमा रहा हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक घूमता जा रहा है। ठीक, मैं अगर ऊपर की लाइन कर रहा हूँ तो ये ऊपर आगे बढ़ता जाएगा, अगर मैं फिर से लेफ्ट थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर लेफ्ट घुमा दूँ फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर लेफ्ट घुमा दूँ। अब देखो जो ग्राफ आप बनाना चाहते हैं आप सब कुछ वो ग्राफ बना सकते हैं,
क्या कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ऐसे ऐसे बनाते जाना है, ठीक। तो आप जो उसमें अब तक ग्राफिक्स आपको बनाना सिखाया है, ठीक है, आपको कुछ भी एनिमेशन बनाना है, एनिमे करेक्टर बनाना है, तो आप सब कुछ बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, बाकी दो फंक्शन को भी लगे हाथ कॉल कर लेता हूँ। लेफ्ट है, अगला क्या है, राइट। बैकवर्ड भी है ना, बैकवर्ड के लिए हम लोग डाउन की का यूज करेंगे। अब सारी चीजें हो गई, यानी कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन को बनाए, फॉरवर्ड डालना, बैकवर्ड डालना। देखो हम लोग हर बार टेंटन लिख रहे हैं, अभी अच्छे नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल का यूज कर लेंगे। देखो ये अपना ग्राफ विंडो बन गई, ये बन गया। अगर मैं अब अप वाले की यूज करूंगा, अप एरो की, तो ये आगे बढ़ेगा। अब मैं लेफ्ट का यूज करूंगा तो ये मुड़ जाएगा। अब अगर मैं राइट को राइट की प्रेस करूँ तो राइट की ओर मुड़ जाएगा, ये देखो, ठीक। अगर मैं फिर से और राइट घुमा दूँ तो ये नीचे मुड़ जाएगा। अब मैं बैकवर्ड की प्रेस किया, मैंने कि डाउन एरो की, तो ये पीछे की ओर जा रहा है। अब मैं राइट घुमा देता हूँ और फॉरवर्ड की यूज करूँगा तो जिस तरफ इसका मुंह होगा उसी तरफ जाएगा, ये। अब देखो हम लोग आगे पीछे जैसा चाहें वैसा जा सकते हैं, ठीक। देखो कुछ भी आप जो बनाना चाहें आप वो सारी चीजें बना सकते हैं टर्टल का यूज करके। ये देखो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो आप अब कुछ भी बना सकते हैं अपना एरो की और या फिर कोई और की प्रेस करके। जैसे कि मैं यहाँ पर जो की है अब के बजाय क्या कर देता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ इसको पी कर देता हूँ। तो क्या होगा, पी जब मैं प्रेस करूँगा तो ये ऊपर बढ़ेगा। तो मैं पी प्रेस करता हूँ तो देखो पी प्रेस करने पर भी आगे बढ़ रहा है। तो बहुत आसान है, आप भी करेंगे तो आपके लिए भी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि आपको ये मेन लूप लगाना नहीं भूलना है, ठीक। तो ये इतना छोटा सा प्रोग्राम है, इसका मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ कि हम इसका यूज़ करके गेम बनाएंगे आगे। जैसे कि स्नेक गेम होता है या और कई सारे गेम हैं, रॉकेट का गेम है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये रॉकेट आगे पीछे हो रहा है, मैं जिधर घुमा रहा हूँ उधर घूम रहा है। अब ये रॉकेट कैसे आया और ये बैकग्राउंड कहाँ से आया, तो आप सब भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड कैसे घुमाते हैं। और जो टर्टल का शेप है वो ये रॉकेट कैसे बन गया, ये बेसिकली हम लोग इमेज का यूज़ कर रखे हैं। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट विंडो के बाहर भी जा सकता है, तो इसको हम और थोड़ा सा गेम के तरीके से बनाएंगे। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें, ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, टर्टल को हम आगे पीछे कैसे करते हैं। टर्टल का मैं शेप चेंज कर देता हूँ और एक काम और कर देता हूँ, बैकग्राउंड में पिक्चर कुछ लगा देता हूँ। फिर टर्टल डॉट सेव कर दूँ, सेव में क्या कर देता हूँ, टर्टल कर देता हूँ, जिससे कि हमको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक। अब रन करेंगे तो ये टर्टल दिखेगा। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ। रन करते हैं, वो रेड कलर नहीं हुआ, सॉरी कलर मोड में लिख दिया था इसलिए नहीं हुआ, ये अब ठीक है, ठीक। तो टर्टल डॉल ऐसा कलर है। अब लोग हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड पिक लगा देते हैं। अब बैकग्राउंड पिक करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना होता है, टर्टल डॉट बीजी पिक या बीजी कलर कर ले, अगले में कर लेंगे, बीजी कलर कर देते हैं। बीजी कलर में क्या कर देता हूँ, डीप स्काई ब्लू और रन कर देते हैं। तो ये देखें अब ये थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है। हम इसमें पी प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो ये
आगे पीछे होता रहेगा, डाउन की यूज़ करेंगे तो ये इधर घुमा जाएगा, फिर पी प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। राइट घुमा दें, आप ऐसा ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि अभी मैं और आगे उसमें थोड़ा सा और ज्ञान लगाऊंगा कैसे कि ये कोई यहाँ से यानी कि कोई चीज़ छोड़ती से कि रॉकेट होती है ना, गोली निकलती रहती है, तो ऐसा कैसे निकालेगा और बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे लगाते हैं, टर्टल का जब टर्टल के बजाय कोई जिफ कैसे करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में आपको जो टर्टल का पिक्चर कैसे लगाते हैं, जिफ कैसे लगाते हैं और बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। जो मैं अभी वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था क्लिप की, हम लोग रॉकेट को मूव कर रहे हैं एरो पी का यूज़ करके घुमाते हैं, तो इस सारी चीज़ें मैं करके अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें एक दो नए कमांड और सीखेंगे। अब इसमें आपने दो नए कमांड सीखे हैं, पहला टर्टल डॉट लिसन और दूसरा ऑन की। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ टर्टल डॉट लिसन को। अब क्या होगा, अब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो ये जो हमारा विंडो है, जो ये विंडो है ना बड़ी सी ब्लू वाले जो टर्टल ग्राफिक्स की विंडो है, ये कुछ चेंज नहीं होगा। अभी मैं आप जो ये ग्राफिक्स यहाँ पर लिखा है पाइथन टर्टल ग्राफिक्स, ये टाइटल भी आप चेंज कर लेंगे बाद में। जैसे कि एप्लीकेशन बनाना होता है ना, तो हम अपना यहाँ पर टाइटल देते हैं, तो उस तक सारी चीज़ें भी अगले वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शी हैव अ गुड डे, बाय बाय।